जय श्री राम, जय श्री राम का नारा लग रहा है अयोध्या में, लेकिन हम लोग हैं इस वक्त पटना के अशोक राजपथ पे और ठीक पटना कॉलेज के सामने। जो लोग भी पटना में रहे हैं उनको ये पता है कि अशोक राजपथ पर ये सबसे पुराना मंदिर जो पटना कॉलेज के ठीक सामने बीचों बीच रोड पे है, और यहाँ पे एक पीपल का पेड़ होता था बड़ा सा, बरगद का भी पेड़ था, पीपल का पेड़ था बड़ा सा, और ये एक लैंडमार्क भी था, और ये काफ़ी पुराना मंदिर है। कहते हैं कि 250 साल पुराना मंदिर था ये, क्योंकि एक डबल डेकर ब्रिज बन रहा है अशोक राजपथ पे, और इस अशोक राजपथ पे डबल डेकर ब्रिज बनने के कारण कई मंदिर को हटा दिया गया अशोक राजपथ से, लेकिन ये कुछ अजीब मंदिर है कि इसको यहाँ पे पटना कॉलेज के ठीक सामने से हटा कर इसे टीके घोष अकेडमी से थोड़ा आगे शिफ्ट किया जा रहा है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा है। प्राण प्रतिष्ठा का जो ये शब्द है ये बेसिकली 22 जनवरी से जुड़ा है, जब रामलला अपना अयोध्या में उनको प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। लेकिन फिर आज जो है इस मंदिर का, ये दुर्गा मंदिर है, और इस दुर्गा मंदिर का जो अशोक राजपथ के बीचों बीच है, जो लोग भी पटना यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं या पटना के रहने वाले पुराने लोग जो पटना में नहीं हैं और पटना को देखना चाहते हैं, उनको ये बता देना चाहते हैं कि आप शर्त मत लगाइएगा कि पटना कॉलेज के गेट के ठीक सामने वाला मंदिर, बल्कि ये मंदिर थोड़ा शिफ्ट कर गया है आगे, मतलब कर जाएगा अभी कुछ घंटों के बाद। ये लोग हैं जिन्होंने मंदिर जो है अशोक राजपथ पर, कई मंदिर जो है उनको हटाना पड़ा, विकास से काम करते हैं। अब क्या है इतिहास पटना कॉलेज के मंदिर का, बताइए। तो हम लोग विकास विरोधी नहीं, हम लोग भी विकास चाहते हैं। मेट्रो भी हमारे लिए है, डबल डेकर पुल भी हमारे लिए है, ऐतिहासिक जगह वो 300 वर्ष पुरानी स्थान परम स्थान दुर्गा मंदिर। हम चाहते हैं यथावत रहे, लेकिन विकास के साथ हम लोगों ने समझौता किया और स्थान मिल गया है परम बाबा को, स्थान मिल गया है, और स्थान जब मिल गया है तो प्राण प्रतिष्ठान हो रहा है, एक बड़ा यज्ञ भी हो रहा है। इसी का एक तरह से आता है। Thank you.
Yeah.